अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रहे खुश रखे, आबाद जगह सलामती वाली की ज़िंदगी के साथ रखे, आमीन। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि मैं आज यहाँ आई हूँ, जो हमारे गांव है, गांव में जो कुमार है उनके पास मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया। और ये देखिए हमारे गांव के मंजर, यहाँ पर से मिट्टी के बर्तन तैयार होते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पात्र रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर इत्मीनान है। अभी मैं दोपहर को आई हूँ और इस पीछे का जो साइड आप लोग देख रहे हैं, ये जो है कब्रिस्तान है। और ये आगे का पोर्शन में ना इन्होंने ऐसा बना रखा है। तो मैं ना थोड़े से आगे आके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए किस तरह से जो मिट्टी का काम होता है इस गांव में। और यहाँ पर कुमार दो तीन हैं जो यहाँ पर ये सारे सामान बनाते हैं और ये शहर में जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जो इन्होंने जो मिट्टी का बर्तन है इनको इन्होंने पकाते हैं। ऐसा कलर तो है नहीं, पहले आप देखिए जो कारीगर है वो रख रहे हैं, वो पहले ऐसे बनते हैं। और यहाँ पर ये भाईजान ने जो है इस्माइल भाईजान ने यहाँ पर बना रहे हैं। तो जैसे ये बन जाता है फिर उसको इस तरह से प्रोसेस में सुखाया जाता है। देन आफ्टर उसको वो वाला जो बट्टियाँ देख रहे हैं ना, उस बट्टी में जाके इसको फिर इसको पक्का करते हैं। तो जाके वहाँ पर पक्का करते हैं, फिर जाके वो इस कलर का बनते हैं, फिर कस्टमर के पास ये जाता है। तो ये प्रोसेस होता है मिट्टी के बर्तन बनने की। और यहाँ पर ये अंकल जी देखिए बेचारा बैठ के खाना खा रहे हैं। ये सब यहाँ का मजदूर है, इस गांव में काम करते हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आप लोगों को और भी सारा चीज़ दिखाएंगे। तो ये देखिए ये किसी और जगह पर है, यहाँ पर भी सारे जो है मिट्टी का पांडे बन रहा है। घड़ा भी पड़ा हुआ है, हंडिया भी है, बहुत डिफरेंट। और ये देखिए यहाँ पर जी बनता है, इसके ऊपर रखा है ये मिट्टी का जो है सब कुछ कच्चा। अब इसको धूप में रखा है, इसको फिर से पकाएंगे। ये देखिए जी यहाँ पर मिट्टी के इतने सारे हंडिया है खाना बनाने के वास्ते। वहाँ देखिए घड़ा भी है और ये छोटे छोटे प्रात भी है, जो परिंदों को भी आप पानी दे सकते हैं, वैसे भी अब यूज़ करने के लिए। ये देखिए इसके सारे हर वैरायटी का है। देखिए जी ये दिया टाइप का होता है, जिसमें आप जो मतलब तेल डाल के इनको आप इसमें मिट्टी का तेल नहीं, मिट्टी का हो या ऑयल हो, कोई भी ऑयल से आप ना इन पर दिया जल सकते हैं। जो मिट्टी के पहले ज़माने में ना ये जला करता था, जब इलेक्ट्रिक का वो नहीं होता था, इलेक्ट्रिक नहीं होता था उस टाइम। तो जी ये वाला जो घड़ा है ना, मुझे वैसे फ्री में मिल गया है, क्योंकि इसका ना यहाँ पर थोड़ा सा क्रैक है। तो बोला कोई बात नहीं, आप इसे ले जाओ डेकोरेट के लिए, पानी भी आ जाएगा, वैसे थोड़ा सा यहीं क्रैक है। तो इसको ना अभी मैं ले कर जा रही हूँ। तो ये जो बाड़े में सारे ना भैंस और गाय रखा हुआ है गांव में, ये देखिए कितना माशाल्लाह अच्छा सा एक परिंदा है। और इसका ऊपर देखिए सर के कितने खूबसूरत लगे हैं। अल्लाह पाक की कितनी बड़ी शान है, कितनी किस्म का परिंदे भी बनाया अल्लाह पाक ने। खाना ठीक नहीं लगे मेरा।
जी अभी मैं आई हूँ एक आंटी के घर। ये आंटी जी हमारे गांव में है, हमारे जहाँ चाचा चाची के घर है, और यहाँ खा रही हूँ मैं खाना और वीडियो ब्लॉग को भी करूँगी। एंड और इनका ये घर है, इन्होंने मेरे लिए चूल्हा मंगाया है, तो वो चूल्हा देने के लिए इन्होंने बुलाया था। तो आज का अगर वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।